हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के चैप्टर 11 पेरिमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.4। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन है, उसकी लेंथ हमें 90 मीटर दी गई है एंड ब्रेथ कितनी है? 75 मीटर। बच्चे, इन क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के करेंगे, तो चलिए इसकी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ओके, ये 90 मीटर लॉन्ग है एंड 75 मीटर ब्रॉड। तो ये 90 मीटर ले लिया हमने लेंथ एंड 75 ये हमारी क्या है? ब्रेथ, ठीक है, ब्रॉड। उसके बाद क्या लिखा है? अ पाथ 5 मीटर वाइड इज बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। उसके बाद उस गार्डन के बाहर वाली साइड पे 5 मीटर का क्या है? चौड़ा एक पाथ बनाया गया। ऐसे गार्डन के बाहर इस तरह से ये पाथ बनाया गया और ये पाथ की जो ये चौड़ाई है वो कितनी है? 5 मीटर। सारी साइड से 5 5 मीटर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो हम ये एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी गार्डन का एरिया निकालेंगे। गार्डन का एरिया निकालने के बाद पाथ के साथ एरिया क्या आएगा वो निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ गार्डन। लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की लेंथ कितनी है? 90 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ गार्डन, BREADTH, ब्रेथ ऑफ गार्डन, गार्डन की ब्रेथ कितनी है? 75 मीटर। उसके बाद क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 90 इंटू 75। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? सिक्स सेवन फाइव जीरो मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा एरिया? 6750 मीटर स्क्वायर। वो सिर्फ इस वाले का आया, जो ये अंदर वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना आ गया? 6750 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें पहले तो ये वाली ब्रेथ और ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ की, पाथ को मिला के लेंथ कितनी बनेगी? देखिए, वैसे इसकी लेंथ 90 थी, 90 में अभी पाथ मिला के एक तो ये वाला और ये वाला दो साइड से ऐड हो रहा है। हमें पता है कि ये 5 है ना, तो मतलब ये 90 हम क्या ऐड करेंगे? दो बार 5 5 ऐड करेंगे, तो कितना बन गया? 100 मीटर, ठीक है। 5 5 ऐड करके कितना बन गया? 100 मीटर। वैसे ही ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, ब्रेथ भी ऐसे निकलेगी, ये 75 है। तो देखिए 75 में 5 इस साइड वाला, 5 इस साइड वाला, दो बार 5 5 ऐड करके कितना बन जाएगा? 85 मीटर्स। उसके बाद अब निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ की, पाथ को मिला के गार्डन का एरिया कितना होगा? वही लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ अभी 100 है, ब्रेथ 85 है, तो कितना बन गया? 8500 मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद एरिया अभी देखिए, हमें पूरे का रेक्टेंगल का एरिया भी पता है, इसका भी पता है। अगर हम पूरे वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू किसके होगा? इसमें से इसको माइनस करना है, 8500 माइनस 6750, ठीक है। दोनों को माइनस कर लेते हैं अभी, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे कितना आ गया? 2750। दोनों को प्लस करके देख लीजिए, बनता है 0 प्लस 0 0, 5 8 5 10, 0 कैरी 1, 7 8 7 14, +1 15 कैरी 1, 6 2 8 नहीं बना, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया कितना आ गया? 1750 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने हमें क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। हेक्टेयर में भी हमें एरिया निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? सॉरी, 1 हेक्टेयर जो है वो किसके इक्वल होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1
तो अभी हमारा एरिया ऑफ गार्डन कितना था, सिर्फ एरिया ऑफ गार्डन चाहिए वो 6750 था, तो 6750 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 6750 अपॉन 10,000 के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के साथ जीरो कट गया, तो 0.675 हेक्टेयर। इसका मतलब कि हेक्टेयर एरिया ऑफ गार्डन कितना निकलेगा, 0.675। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर। अभी हमें लेंथ कितनी दी है, 125 मीटर, एंड ब्रेथ कितनी है, 65 मीटर, ठीक है। उसके अराउंड कितना, 3 मीटर का पाथ बना हुआ है, वैसे ही पाथ बना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, पर अभी ये कितना है, 3 मीटर का, पिछले क्वेश्चन में 5 मीटर का था, अभी ये पाथ कितना है, 3 मीटर का, ठीक है। सेम वैसे ही निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमने। सबसे पहले लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी यहाँ पे गार्डन ही पाथ लिखा है, तो लेंथ कितनी है पाथ की हमारे, 125 मीटर्स। उसके बाद ब्रेथ ऑफ पाथ, ब्रेथ ऑफ पाथ, ब्रेथ कितनी है, 65 मीटर्स। देन एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, 125 इनटू 65, मल्टीप्लाई साइड में करके देख लेते हैं, 125 को 65 के साथ 625 आ गया, आगे 6 के साथ करते हैं इसको, तो हमारा सम अप करके ये कितना आ गया, 8125, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 8125 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, पाथ का एरिया, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ विद पाथ, पाथ के साथ कितनी होगी लेंथ इसकी, अभी तो 125 में 3 इस साइड वाला 3 उस साइड वाला, दो बार क्या प्लस करेंगे, 3, तो कितना हो गया, 131 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ पाथ, ब्रेथ ऑफ पाथ विद पाथ, ब्रेथ कितनी होगी, 65 है, 65 में दो बार 3 को प्लस किया, कितना बन जाएगा ये, 71 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ पाथ विद पाथ, पाथ का एरिया पाथ के साथ कितना होगा, 131 इंटू 70, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा, 131 इंटू 71 मीटर स्क्वायर। साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये आपका रफ वर्क है, आपको करके नहीं दिखाना ये, तो 131 आ गया पहले तो, उसके बाद 9310 कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 01 मीटर स्क्वायर निकल गया। उसके बाद अभी निकालेंगे हम एरिया ऑफ पाथ, तो पाथ का एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया जो है ये 9301, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया 8125, ओके, तो माइनस कर देते हैं, 9301 में से हमें माइनस करना है 8125, तो यहाँ पे 11 बन गया, 11 माइनस 5 इज 6, यहाँ पे 9 रह गया, 9 माइनस 2 इज 7, 2 माइनस 1 इज 1, तो कितना आ गया, 1176 मीटर स्क्वायर, ओके, तुम्हारा एरिया कितना आ गया, 1176 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।